और आइए अब बात कर लेते हैं कोल्हापुर की, जहां पर बवाल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोल्हापुर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया गया। विशालगढ़ किले के आसपास कार्रवाई हुई और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अतिक्रमण को लेकर शुरू हुआ था ये पूरा का पूरा बवाल, और यहाँ पर जो स्थितियां बनी उसके बाद पुलिस बल की भी तैनाती की गई, क्योंकि तनाव की स्थितियां देखने को मिल रही थी। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अब एक्शन लगातार जारी है। दो पक्षों के बीच ये विवाद और तनाव की स्थितियां, विशालगढ़ किले के आसपास अब कार्रवाई भी की जा रही है। जो अवैध रूप से अतिक्रमण यहां पर किया गया उसको हटाने की कोशिशें हो रही हैं। कोल्हापुर की तस्वीरें, अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन शुरू और मौके पर भारी पुलिस बल के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, और साथ ही कोई अप्रिय स्थिति ना बने इसके लिए यहां पर लगातार बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दरगाह मस्जिद की आड़ में अतिक्रमण यहां पर किया गया है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। और ऐसे में उसी अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार लंबे वक्त से हिंदू संगठनों की मांग भी रही है। प्रदर्शन भी सड़कों पर उतरकर किया गया था। इसके पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने आश्वासन भी दिया था कि जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। इस आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से तनावपूर्ण स्थितियां बनती हुई नजर आ रही थी। अब जानकारी मिल रही है कि अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। हाथों में छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा और बारिश में भीग कर प्रदर्शन करते लोग। तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आई है, जहां हिंदू संगठन छत्रपति शिवाजी महाराज के किला में मजहबी अतिक्रमण को लेकर गुस्से में है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अतिक्रमण के विरोध में कुछ घरों में तोड़फोड़ कर दी। ये चावल है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में यह है विशालगढ़ किला। शिवाजी के इस किले का प्राचीन इतिहास है। सन 1058 में इस किले का निर्माण शिलाहार राजा मारसिंह ने करवाया था। इस किले को सन 1659 में शिवाजी ने आदिल शाह के कब्जे से मुक्त करवाया था, जिसके बाद शिवाजी ने इसका नाम विशालगढ़ रखा था। मराठा साम्राज्य के इस ऐतिहासिक महत्व वाले किले में हजरत सैयद मलिक रेहान मीर साहब की दरगाह और एक मस्जिद भी है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि किले के आसपास मुस्लिमों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया है। दरगाह की आड़ में अतिक्रमण का आरोप है। किले में मौजूद हिंदू मंदिरों के अपमान का भी आरोप लगाया है। हिंदू संगठनों का दावा है कि साजिश के तहत अतिक्रमण हो रहा है। इसी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग इकट्ठा हुए। जब इसकी जानकारी दूसरे पक्ष को हुई तो वो भी बड़ी संख्या में आ गए, और देखते देखते दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। सुबह से जो दो एजिटेशन विशालगढ़ का जो एनक्रोचमेंट है उसके बारे में हो रहे थे, जो मॉब वहाँ पे जमा हुआ था दो लीडर के अंडर, तो वापस जाते वक्त कुछ वैंडलिज्म उन्होंने किया है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विशालगढ़ किले से अतिक्रमण करने का सरकार के आश्वासन के बाद हिंदू संगठनों ने अपना विरोध वापस लिया, और वादा पूरा नहीं होने पर आगे भी प्रदर्शन की चेतावनी दी है। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन तनाव भी है। तनाव को देखते हुए किले के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, कोल्हापुर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के आमने सामने आने के बाद से वहां पूरे इलाके में इस वक्त भारी तनाव की स्थितियां हैं। हालातों को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, और इस बवाल के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि विशालगढ़ किले के पास मुस्लिम समुदाय का अतिक्रमण बढ़ गया। दरगाह की आड़ में उसके आसपास अतिक्रमण किए जाने का आरोप है। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन भी किया, और इस प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने वहां तोड़फोड़ की, आगजनी की, और दोनों पक्षों की तरफ से वहां ईंट और पत्थर भी चले हैं। गाड़ियों और मकानों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। साथ ही तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। कोल्हापुर में अतिक्रमण को लेकर सियासत भी अब देखिए तेज हो गई है। कोल्हापुर जाएंगे इंडिया गठबंधन के नेता, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बवाल के दौरान
जिनका नुकसान हुआ उनसे मुलाकात करेंगे इंडिया गठबंधन के नेता, अतिक्रमण को लेकर जिनका नुकसान हुआ है उनसे मिलेंगे और ये नेता शाहू महाराज छत्रपति से भी मुलाकात करेंगे। जो स्थितियां अभी बनी हुई है कोल्हापुर में उसके बाद देखिए अब सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो कोल्हापुर पहुंचेंगे आज, जिनका नुकसान हुआ उनसे मुलाकात होगी और उसके बाद प्रतिक्रिया आती है दूसरी पार्टियों की भी तरफ से, इस पर नजर रहेगी क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो आज कोल्हापुर पहुंचेंगे और आज तनाव की भी स्थितियां हैं, अतिक्रमण को हटाने का एक्शन भी है और आज ही के दिन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कोल्हापुर में है और ऐसे में अवैध मजार का जो विरोध है वो लगातार हिंदू संगठन के नेता कर रहे हैं, हिंदू संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में हिंदू संगठनों का जब विरोध हुआ तो पत्थरबाजी भी हुई, आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और सरकार के जो नेता मंत्री हैं वो भी घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाते हुए नजर आए थे, लेकिन हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता है तो एक बार फिर से उनका यह विरोध शुरू हो जाएगा। और आज भारी पुलिस फोर्स के बीच में ये जानकारी मिल रही है कि एक्शन लिया जाएगा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। शिवाजी के किले में सेंध लगी है। कोल्हापुर के विशालगढ़ किले में वर्षों से एक धर्म विशेष की आबादी बढ़ रही है। आंकड़ा आइए आपको दिखाते हैं। साल 1939 में वहां सिर्फ 12 घर हुआ करते थे, अब वहां पे 283 अवैध घर बन चुके हैं। आबादी तब थी 115 और अब बढ़कर ये आबादी 685 हो गई है। वर्ष 1939 की बात करें तो 90 हिंदू यहां पर रहते थे, अब 151 हिंदू रहते हैं, जबकि मुस्लिम आबादी 15 से बढ़कर 534 तक पहुंच गई है। और इसी वजह से जो अवैध अतिक्रमण किले के अंदर किया गया है उसका भी विरोध अब बढ़ता जा रहा है। अवैध रूप से वहां पर मजार का निर्माण किया गया है, ऐसा हिंदू संगठन लगातार आरोप भी लगा रहे हैं।